वो रिमूव करते हैं। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट मींस के वाटर का जो है वो कैसे एडजस्टमेंट होती है प्लांट्स की, ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी प्लांट सॉल्ट्स के। वाटर जो प्लांट्स जो हैं वो थ्री ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हैलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जो हैं दीज आर द प्लांट्स विच लिव कंप्लीटली आर पार्शली सबमर्ज इन द फ्रेश वाटर। हाइड्रोफाइट्स फ्रेश वाटर में होते हैं, या तो कंप्लीटली प्लांट वाटर में मर्ज हुए में होंगे या पार्शली सबमर्ज हुए में होंगे, ठीक है, उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। सच प्लांट्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। जाहिर है कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट में है, वाटर में है, तो इनको वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं होता। दे हैव डेवलप्ड मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स। उनका जो एक्स्ट्रा वाटर ये जो एब्जॉर्ब करते हैं उसके रिमूवल के लिए उन्होंने जो है वो मैकेनिज्म डेवलप किया होता है। सबसे बड़ा जो है वो ये हम कहते हैं कि जो इनका लीव्स हैं ये बहुत ब्रॉड हो जाते हैं, चौड़े लीव्स होते हैं। आपने कहीं देखा होगा कि जो वाटर लिली है ये बहुत बड़े बड़े ब्रॉड लीव्स होते हैं जो कि वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर रहे होते हैं। चूंकि वाटर के इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो इसमें स्टोमेटास भी जो है वो ज़्यादा होंगे और उसके थ्रू वाटर जो है वो रिमूव करते हैं। हाइड्रोफाइट्स हैव द ब्रॉड लीव्स विद द लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस। द कैरेक्टरिस्टिक हेल्प them to remove extra amount of water. The most common example of some such plants is the जैसा ये आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद xerophytes आ जाते हैं। xerophytes, these plants lives in dry candy environment. Dry environment वहाँ होता है जहाँ पे water की shortage होती है, water available नहीं होता। They possess thick waxy cuticle over their epidermis to reduce water loss from their internal tissues. कि जैसे डेजर्ट्स के प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी सरफेस पर जो है वो एक थिक वैक्सी क्यूटिकल जो है वो लगा देते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस करके, ताकि एवेपोरेशन मिनिमम हो जाए और वाटर लॉस जो है वो मिनिमम हो, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो उनके पास कम होते हैं, ठीक है। दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। उनमें स्टोमेटा का नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, वाटर की ट्रांसपायरेशन जो है वो वहां पे लेस हो जाए। सच प्लांट्स सेकंड एडाप्टेशन जो है, थर्ड एडाप्ट पहले इनकी था स्टिकी वैक्सी क्यूटिकल है, सेकंड जो है वो लेस स्टोमेटा नंबर है, थर्ड जो है वो डीप रूट्स होती हैं ताकि वो सॉइल से मैक्सिमम वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। सम जीरोफाइट्स हैव स्पेशल पैरेन्केमा सेल्स इन स्टेम्स और रूट्स। इनमें पैरेन्केमा सेल्स आ जाते हैं जो स्पेशल टाइप के होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, जो कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर जो है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मेक देयर स्टेम्स और रूट वेट एंड जूसी कॉल्ड सकुलेंट ऑर्गन। ये इनकी वेट रूट्स होती हैं या स्टेम होती हैं, ये जूसी हो जाती हैं जिसको हम सकुलेंट ऑर्गन कहते हैं, ताकि ये जो है वो वाटर को स्टोर कर सकें। जैसे कैक्टस होता है, कैक्टी जिसको हम कहते हैं, ये कॉमन एग्जाम्पल ऑफ, जैसा कि हमारे पास ये आप देख रहे हो कि कैक्टस की डिफरेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हैलोफाइट्स हैं, ये सी वाटर में रहते हैं। सी वाटर आपको पता है कि साल्टी होता है, तो हम कहते हैं साल्टी एनवायरनमेंट्स होगा। साल्ट्स एंटर द प्लांट ड्यू टू देयर हायर कंसंट्रेशन इन सी वाटर। सी वाटर में चूंकि इसकी कंसंट्रेशन हाई है तो ये वहां पे एंटर होता है प्लांट्स में। वाटर टेंड टू मूव आउट ऑफ देयर सेल्स इन द हाइपरटोनिक सी वाटर। हाइपरटोनिक उसको कहते हैं कि जहाँ पे एनवायरनमेंट ज्यादा साल्टी हो तो वो वाटर को रिमूव करते हैं। व्हेन साल्ट एंटर टू द सेल्स प्लांट कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट इन देयर वैक्यूल्स। ये क्या करते हैं कि साल्ट को जो है वो अपने वैक्यूल्स में ज्यादा स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। साल्ट आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमिएबल ऑफ द वैक्यूल, कि अपनी जो टोनोप्लास्ट है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन आपको पता है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, उसके थ्रू फिर अब जो है वो साल्ट उसमें से रिमूव नहीं होता। तो जो साल्ट का सेल सैप जिसको हम कहते हैं वो मोर हाइपरटोनिक हो जाता है, उसमें हम कहते हैं कि ज्यादा साल्ट आ जाता है सी वाटर के निस्बत, तो उसकी वजह से इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल।
अब वाटर जो है वो सेल से बाहर नहीं निकलता और इस तरीके से वाटर की कंसेंट्रेशन जो है वो सॉल्ट में रिमेन रहती है। मैनी सी ग्रासेस आर द इंक्लूड इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स, है ग्रासेस हैं, सी प्लांट्स हैं, वो अपने आप को इसी तरीके से मेंटेन रखते हैं, उनमें जो है वो सी का वाटर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहती है, उनके सेल सब ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाते हैं एज कंपेयर टू द सी वाटर, और वो फिर वाटर को जो है वो रिमेन रखते हैं अपने सेल के अंदर, कॉन्स्टेंट रखते हैं, और इस तरीके से वो अपने इस प्रॉब्लम को